बट एक कि बड़े मैच में सुनील, अब जो वो बाबर और रिजवान के मतलब की चीज ये भी है, आई थिंक मैं कह रहा हूँ ये खुशी खुशी इन्होंने लिया होगा टारगेट की भाई 150 पे हमने रोक दिया जिस तरीके से, ठीक है विकटे वहाँ पे पावर प्ले के लिए, क्योंकि यार T20 गेम में आप 150 के पार आप कोई भी टीम उठा के देख लो कि वो रहता है कि हाँ पोजीशन में रहती है जीतने के, आप थोड़ा सा वहां पे अगर खींचते हैं तो इनके लिए बेटर होता। आई थिंक अगर पाकिस्तान चाहता तो आज न्यूजीलैंड को 120 130 पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, क्योंकि बोलिंग उन्होंने बहुत अच्छी धीरज भाई। लेकिन एक चीज और है कि अगर 170 के टारगेट को, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, और जैसा कि आपको जानते हैं कि इंडिया मीडिया को तो यकीन ही नहीं था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचकर न्यूजीलैंड को हरा दिया। और इस बारे में अब इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है, चल के ये देखते हैं इस वीडियो। खुशी खुशी इन्होंने लिया होगा टारगेट की भाई 150 पे हमने रोक दिया जिस तरीके से, ठीक है विकटे वहां पे पावर प्ले में वहां पे आ गई, लेकिन पाकिस्तान मेरे को लग रहा है अपनी बॉलिंग से खुश होगा आज कि भाई हमने 150 पे रिस्ट्रिक्ट किया, और ये ठीक है हम उस तरीके से हमारी बैटिंग लाइनअप की जो डेप्थ है आई थिंक वो वहां पे मतलब इजी गेटेबल हो जाएगा। इजी तो नहीं कहेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यार T20 गेम में आप 150 के पार आप कोई भी टीम उठा के देख लो कि वो रहता है कि हाँ पोजीशन में रहती है जीतने के, आप 130 120 में कहते हो कि यार ये टीम जीत जाएगी, लेकिन 150 के पार कोई भी टीम गेम में रहेगी उस तरीके से। पता है पाकिस्तान ने एक चीज खामी फिर भी रह गई, आप लोग बात जरूर कर रहे हैं, आई थिंक जब विलियमसन और डैरन मिचेल की जो पार्टनरशिप बनी, क्योंकि आपने अपफ्रंट पावर प्ले में दो विकेट आ गए, आपने उनको रन भी नहीं दिए थे, आपने फिन एलन को आउट कर दिया, तो जो आपको लग रहा था कि यार थोड़ा डिस्ट्रक्टिव अगर हो तो गेम आपसे थोड़ा आगे ले जा सकता है, पर उसके बाद जब दोनों की पार्टनरशिप बन गई केन विलियमसन की और डैरन मिचेल की, जहां पे कई बार रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी सारी चीजें थ्रो भी, बट थोड़ा सा वहां पे अगर खींचते हैं तो इनके लिए बेटर होता। आई थिंक अगर पाकिस्तान चाहता तो आज न्यूजीलैंड को 120 130 पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, क्योंकि बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की भाई। लेकिन एक चीज और है कि अगर 170 के टारगेट को उन्होंने 152 पे रोक दिया बिकॉज ऑफ फील्डिंग, क्योंकि जो उन्होंने पावर प्ले में फील्डिंग करी दो तीन चौके ऐसे बेहतरीन रोक लिए वहां पे, आज 10-15 रन डिफरेंस आपको वहां दिखा, फील्डिंग से उन्होंने 170 होते हैं यहां पे न्यूजीलैंड के, अभी तक उन्होंने 152 एज अ फील्डिंग यूनिट पाकिस्तान तैयार होकर आई है कि एक बड़े मैच के लिए, जैसे कहते हैं कि भाई बड़े मैच में आपको लेकर आना पड़ता है अपना बेस्ट, और बॉलिंग में भी ऐसा लगा ना, देखो शाहीन को पहली बॉल पर चौका, उनका कमबैक देखो आज है ना, कमबैक बढ़े गया, वसीम को पहली बॉल पर आते छक्का लगा था उस ओवर में, उसके बाद वो सिर्फ दो रन देते हैं, बाद में हारिस राउफ के एक ओवर में डबल्स वगैरह बड़े ज्यादा किए, बट उन्होंने भी डेथ में मेरे ख्याल से एक बाउंड्री कंसीड करी है सिर्फ, जो नीशम ने वो फाइनल लेग की तरफ पीछे का चौका, लेकिन यार तारीफ आई थिंक फिर भी न्यूजीलैंड की, यहां पर तारीफ केन विलियमसन और डैरन मिचेल की, डैरन मिचेल ने जो मतलब केन विलियमसन देख रहे हैं वो बाउंड्री के लिए जा रहे हैं, बाउंड्री लग नहीं रही पर वो सिंगल डबल करके हर ओवर में 6-7 फिर भी बन रहे थे, कि ज्यादा ये आया कि भाई कि वो सोडी और सैंडर को कैसा खेलते, क्योंकि नवाज का भी बॉल जो फिलिप्स जो आउट हुई, क्योंकि थोड़ा सा वो पावर थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर बॉल ग्रिप होकर वो आउट हुए उस तरीके से, शादाब के बॉल पे भी ठीक है मारे मिचेल ने दो अच्छी बाउंड्रीज मारी, एक छक्का एक चौका, लेकिन स्पिनर्स को मदद रहेगी। अब जब बाद में मतलब यहां पे इतना वो है कि हार्ड हिटिंग वाला जो गेम है ना, आप अगर सोचो बहुत अगर आपका कनेक्ट नहीं कर रहा, हार्ड हिटिंग वाला गेम है, पाकिस्तान एक तरीके से सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस में अब खेल रहा है ना जो हम बात करते थे, तो अब वहां पर हालांकि भले ही मैच बना हुआ न्यूजीलैंड बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है, बट आई थिंक यहां से पाकिस्तान को फैंसी करना चाहिए रन चेज, उनके ओपनर्स थ्रू आउट नहीं चले हुए, जो भी चीज है आज कर जाओ आप फिर आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला। यही तो है कि केन विलियमसन एज कैप्टन, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग कैसी करानी, बॉलिंग रोटेशन, आई थिंक वो उसी में एज ले जाते हैं जैसे क्रूशियल मैच, मतलब इसमें क्या है कि नहीं पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड खेलने वाली बात है आज, मतलब आपको एक या दो ओवर अच्छे चाहिए, उसके अलावा आपको इन्हें कि बहुत ज्यादा करते हैं ना, हाँ अगर आप वो शेल में घुस जाओ 10-55 कर रहे हो, आखिरी 10-100 छोड़ दे रहे हो, वो आपकी गलती रहेगी, बट आप कैलकुलेटेड खेल के ये रनचेज आराम से कर सकते हो, जो हम कहते हैं इनके भी पास नीचे बैटिंग वाली है, बीच में ये इस्तेमाल करेंगे आज, नवाज को भेजेंगे सेंटर और सोढ़ी के लिए। नहीं मैं वही कह रहा था कि रन इतने ज्यादा नहीं बने कि बिल्कुल भी बाहर ही चले गए कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, 152 तो मतलब ठीक है, जैसे कि 152 तो उन्होंने हमसे जीता ही था बिना विकेट के, और यहाँ पर आप देखिए बाबर रिजवान अगर शुरुआत पावर प्ले निकाल देते हैं बढ़िया से, उसके बावजूद अब उनकी बैटिंग लाइनअप वो है ना मिडिल ऑर्डर जो अभी तक चला है, थोड़ा आप उनके लिहाज से देखें तो उनको भरोसा देता होगा हैरिस जो आए हुए हैं, आप अभी भी देखोगे चाहे जो भी टीम, जैसे पाकिस्तान को ये था कि यार वो टॉस जीत के वो भी बैटिंग करना चाहते थे, उसका रीजन ये था कि यार थोड़ा फ्री ऑफ माइंड, अगर आज जिस हिसाब से 35/2 न्यूजीलैंड चेस कर रहा होता तो आज हो सकता है न्यूजीलैंड भी कोलैप्स करता बिल्कुल चेस करते हुए, क्योंकि चेस करने का प्रेशर और पहले बैटिंग करने का वो थोड़ा एटलीस्ट वो होता है कि हमें टारगेट देना है और टारगेट चेस और भैया क्रेडिट इसलिए भी जाता है पाकिस्तान थोड़ा नीचे होता है आपकी टीम से, जैसे हमने कहा कि ग्लेन फिलिप्स अगर आप दूसरी किसी टीम के बारे में बात करेंगे कि उनका एक गन प्लेयर है, लेट अस सपोज हम स्काई की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वहां पैनिक दिखाते हो, आई थिंक मिशेल को आप क्रेडिट इसलिए दोगे, उसमें शायद आपको जो छक्के मारे डाउन द ट्रैक आप देख रहे हैं,
वो चीजें भी आपको बड़े मोमेंट्स पे चाहिए होती है। उनका दिखा भी कि पिछले साल का सेमीफाइनल भी अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पर तो प्लेयर मैच नहीं होंगे और यहां पर भी आज अच्छी पारी आई है तो बढ़िया। उन्होंने यार वो अभी टेस्ट सीरीज जो चल रही थी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, वो बड़ी उस ओकेशन पे जब जब विकेट्स गिरती है फ्रंट इनको देखो आज विकेट चाहिए होंगी, मतलब कि वो उस तरीके की जो हम कह रहे हैं कि वो 35-40 भी कर देते हैं, जीरो विकेट रहते हैं तो थोड़ा सा एक और रहेगा क्योंकि न्यूजीलैंड भी फिर फोर्स होगा ना कि चीजें कैसे। जिस हिसाब से मनोज मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म है, शाहीन भी है और बोल्ट भी है, शाहीन ने आज बड़ा अच्छा वेरिएशन से खेला है, बहुत अच्छा, उसने पिच को देख के बोला नहीं दूंगा पेस में जो उसने केन विलियमसन को। जी तो दोस्तों ये था इंडियन मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तानी टीम के बारे में कि पाकिस्तान कैसे मुजाना तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचा और अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है। आपका इस बारे में क्या राय है कि क्या पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचना चाहिए था या नहीं, और क्या आप पाकिस्तान फाइनल में इंडिया या इंग्लैंड को हराकर टाइटल अपने नाम कर पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।